सरकार एडहॉक कमेटी भाई आपका दबाव मानती है, क्योंकि पूरे हरियाणा के जाट वोट आपके मुट्ठी में हैं। जहां आप कहोगे वहीं जाट वोट देंगे, और नहीं तो जाट वोट नहीं देंगे, आप सरकार गिरा दोगे। पहले हम इन 8 बच्चों को लड़ा दें, जब जब शाम को थक जाएं तो आपको अकेले हम लड़ा दें, तो आप ही जीतोगे। देखिए, एक समय था हिंदुस्तान के अंदर कि एक स्टार पहलवान पैदा होता था तो कम से कम 7 साल 8 साल चलता था। और मेरा सपना था कि मैं एक एक वजन में 5 5 7 7 स्टार पैदा करूंगा, 5 5 7 7। बाई चांस किसी को चोट लग जाए, बाई चांस कोई बीमार हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हम खाली आवे। वो काम मैंने कर दिया था, 5 7 नहीं तो 3 4 हर वजन में मैंने खड़ा कर दिया था, और इनको खतरा पैदा हो गया। आज चलिए ये एशियन गेम्स में जा रहे हैं, चलिए जा रहे हैं भाई, सरकार एडहॉक कमेटी भाई आपका दबाव मानती है, क्योंकि पूरे हरियाणा के जाट वोट आपके मुट्ठी में हैं। जहां आप कहोगे वहीं जाट वोट देंगे, और नहीं तो जाट वोट नहीं देंगे, आप सरकार गिरा दोगे। तो एडहॉक कमेटी गलत निर्णय ले रही है। तो चलो, आप बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े तीरंदाज हो, तो ट्रायल देने में क्या दिक्कत है? अब कहते हो कि मैं लौट करके आऊंगा तब ट्रायल दूंगा। अरे लौट करके आओगे, कौन तुम्हारा ट्रायल लेगा? क्या जरूरत है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को देने की? अगर हिम्मत थी तो पहले ट्रायल देते, आते ये कुश्ती लड़ लेते। आज विभूषण सिंह को बैठ करके गाली देते हो, जहां पाते हो विभूषण सिंह को तो आप लोगों ने चपरासी बना दिया है। हमको तो ऐसा बना दिया जिसकी इच्छा हो जब गाली दे, गाली दे रहे हैं। आप बताओ हरियाणा वालों को, क्यों नहीं लड़े आप? क्यों झूठ बोल करके भाग गए? तो एक समय था कि एक स्टार होता था, मैंने ऐसा कर दिया कि एक एक वजन में 3 3 4 4 5 5 स्टार। एक समय मुझे याद है कि वर्ल्ड में हमारी एक टीम गई थी जूनियर की, वो 17 18 मेडल लेकर के आई, और 20 रोज हमने ट्रायल कराया, 18 में से 17 हार गए, दूसरे बच्चे चले गए और वो मेडल लेकर के चले आए। तो हमारा एक सपना था कि जैसे अन्य देशों में होता है, रसिया है, ईरान है, जो होता है कि जैसे एक नहीं बाई चांस किसी खिलाड़ी की तबीयत खराब हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या देश खाली जाएगा? वो काम मैंने किया था। और इनका यह है कि एक ही स्टार रहेंगे, ये यही सबसे स्पॉन्सर होंगे। अच्छा, जो पंचायतें आपके खिलाफ जंतर मंतर पर जाती थी, यहां पर क्या हुआ कि जब ये बिना ट्रायल के प्लेयर भेजे गए और जो जूनियर खिलाड़ी थे या उनके समकक्ष खिलाड़ी थे, उन्होंने इस पर एतराज उठाया और पंचायतें हुई, पंचायतें निर्णय नहीं कर पाई कि किसको भेजा जाए? मैंने उस समय भी कहा था, चाचा ताऊ जितना बुरा लोग मुझको कह रहे हैं उतना बुरा नहीं, और मैंने ये कहा था कि मुझसे मेरी बेगुनाही का सर्टिफिकेट मत मांगो। आपके गांव में अगर कोई कुश्ती का बच्चा हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे आप अकेले में बात करो। और इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था कि शुरू में हर आदमी भ्रमित हो गया था कि इतना बड़ा आरोप बिना सच्चाई के नहीं लगा सकते, और इसलिए हमारे चाचा ताऊ भी भ्रमित हो गए थे, समाज के लोग भी भ्रमित हो गए थे, अन्य लोग भी भ्रमित हो गए थे। लेकिन जब मीडिया ने सवाल इनसे सबूत मांगना शुरू किया, कुछ तो लाओ भाई। और अभी मैं कहता हूं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ना इनके पास एक ऑडियो है, ना इनके पास एक वीडियो है, और ना इनके पास एक टेलीफोन है कि कोई ऐसा नंबर बता दें 12 साल के अंदर मैंने किसी को फोन किया हो, एक दिखा दें। ना इनके पास फोटोग्राफ है, न इनके पास ऑडियो है, न इनके पास वीडियो है। 108 लोग इस केस में गवाह हैं, 108 लोगों से इस केस में पूछताछ हुई है, 108 में 4 गवाह केवल हैं, और भी जीजा साली जीजा और एकाध उनके दोस्त, केवल 4 गवाह हैं मात्र। क्या ठेस लगी इस मामले से? ठेस तो क्या कर सकते हैं। ठेस तो इतना लगी, जैसे आज लोग सवाल करते हैं कि ऐसे बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए, तो क्या मेरे ऊपर लगाना चाहिए? क्या जवाब दोगे? जिस दिन अदालत मुझे बरी करेगा, क्या जवाब दोगे? क्या मेरे परिवार को जो चोट पहुंची है, मेरे समर्थकों को जो चोट पहुंची है, मेरे फॉलोअर जो है जो उनको चोट पहुंची है, जो कुश्ती बर्बाद हो गई,
आज दुनिया में हम कितनी तेजी से किस मुकाम पर पहुंच रहे, बर्बाद होगी, क्या जवाब दोगे? चोट किसको नहीं पहुंचेगी साहब?